हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम खुदिया में सयानी नदी के पास बीते दिनों 16 सितंबर रात्रि को दो युवक शुभम राजपूत और दीपक राजपूत की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें सिराली पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि दोनों युवकों की हत्या हुई थी। दोनों युवकों के शव अलग अलग जगह मिले थे। वही शुभम की लाश दूसरे दिन बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को तलाश करने पर मिली। हालांकि सिराली पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दो आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों मृतक के परिजनों ने सिराली थाना पुलिस अधीक्षक हरदा को पूर्व में ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग कर हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की होने की आशंका जाहिर की है। दोनों मृतक के परिजन और दोनों आरोपियों के परिजन हरदा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर एसपी मनीष कुमार अग्रवाल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो सही आरोपी को पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इनमें सीबीआई जांच हो। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। नाम है आपका? नाम किशन है मेरा। कहाँ रहते हो? मैं केवलारी रहता हूँ। और आरोपी जिसे अभी सत्य किया गया कन्हैया, उनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, है ना। मैं आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आया हूँ एसपी साहब के पास। मेरी गुजारिश कलेक्ट्रेट साहब एसपी साहब से कि जो मेरा भाई अंदर है उसका निरपेक्ष तरीके से उसका जांच किया जाए, और जो सही मुर्जी में उन्हें यहाँ पर उसका जानकारी सही जांच करके उन्हें सही आरोपियों को पकड़ा जाए। तो आपके बात हुई थी क्या उनसे? से मुलाकात में करने जब भी जाता हूँ तो क्या बोलते हैं वो? भैया, जो मुझे टॉर्चर करके यहाँ पर मुझे बंदी बनाया गया था, और जो मैं जब मिलने गया उनसे तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो वहाँ पर मुझे सिराली काम करने गया था। जिस दिन उसे अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट करते से ही पुलिस वालों ने पकड़ा और डायरेक्ट मारने लगे। अगर मुझे सच में पता होता कि उसको डायरेक्ट मारा गया उस टाइम जाते लाते से, तो मैं भी कुछ दिन कार्रवाई ज़रूर करता। बेटा से भी यह चाहूँगा कि उसका सही तरीके से जाँच कराएँ, और कोशिश करूँगा कि उसका सीबीआई तरीके से जाँच हो और जो मेन मुलजिम है उन आरोपियों को पकड़ा जाए। दोनों ने, कन्हैया के पापा ने और राहुल के पापा ने, कि बोले हमारे लड़के जो हैं वो उन्होंने ये काम नहीं किया है, और इस काम में तो कुछ दूसरे ही लोग हैं जिनका उन्होंने नाम भी बताया था, और उनका नाम बताया था कि जो दोनों लड़के अनिल अनिल नाम के हैं और एक लड़का जो था वो गोलू नाम का लड़का था, ये तीनों ने मिल के इनको मतलब ये घटना का क्रम किया था। और राहुल और कन्हैया हमारे ये दोनों लड़के तो आधार कार्ड एवं ये समग्र आईडी वगैरह का काम करते हैं ऑनलाइन का, तो ये गोमगांव से वापस लौट रहे थे केवलारी के लिए, उस समय इनका झगड़ा चल रहा था। तो अनिल और गोलू ने इनको रोक लिया और बोला कि हमको दारू ला के दो, ऐसा करो वैसा करो, इनको रोक लिया और इनको जबरन में दोनों को अपराधी घोषित कर दिया। पूर्व में भी आपने ज्ञापन दिया इसी मामले को लेकर? जी हाँ। तो क्या एसपी साहब साहब की चर्चा हुई तो क्या बोले? पूर्व में हमने जो आवेदन दिया था टीआई साहब को, उसके बाद में दिया था एसपी साहब को, तो इस मामले में एसपी साहब फिर गए भी थे खुदिया, लेकिन अभी तक हमको ऐसा कुछ उन्होंने मामला का सुधार नहीं किया जो कि हम उससे संतुष्ट हो जाएं। अच्छा, आज आए तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आज जब आए तो एसपी साहब ने हमको तो जैसी बात पहले करी थी उन्होंने हमारे साथ में, वैसे की वैसे आज भी बात करी है हमसे। उनकी बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारा साला और वहाँ गया तो उनको परिजनों को जब बोला उन्होंने कि यार आपके लड़के जब निष्पक्ष हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है तो आपको हम अगर मान लो एसपी ऑफिस ले जाएं तो आप जा सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम जा सकते हैं, आप हमारे लड़कों को बचाओ और जो मेन अपराधी हैं उनका नाम हम बता रहे हैं, उनको आप पुलिस के द्वारा मतलब। क्या नाम है आपका? हेमंत लाल। कहाँ रहते हो? कोल्हारी। अच्छा, जब एसपी कार्यालय आए हैं हरदा, किस मामले को लेकर आए हैं? जी हमारा छोरा का यानी उनको बचाने के हिसाब से आया, जो हम छोरा मुलजिम नहीं है यानी। कौन से मामले में? ये मौत वाली काम, उसमें जो बुलिया में विक्रमपुर वाले जो भैया खत्म हुए यानी। कौन कौन खत्म हुए? उनका नाम भी आप उनको उतना मालूम नहीं है, विक्रमपुर का भैया हूँ। अच्छा, तो आपके लड़के का क्या नाम है? राहुल। और एक और कौन है? कन्हैया। कन्हैया, हाँ जी। तो ये क्या मामला था? ये इनको यानी फालतू गांव वाला फंसाया गया है। गलत तरीके से फंसाया? हाँ, गलत वाला फंसाया गया है। वो मैं जब पुलिस वाला भी मतलब मैं राजपूत समाज पूरी है उनकी। हाँ। राजपूत समाज ही उनके झेल रहा, हम तो आदिवासी, हम तो गौंड समाज है ना,
गौंड समाज भैया हमको कोई साथ नहीं है, वो राजपूत राजपूत एक हो रहा है और भैया उन जो खत्म हुआ वे भी राजपूत था ही बेचारा हूँ। है नहीं, आप यहाँ क्यों आए थे, काहे के लिए आए? हम इसीलिए हम आए थे कि भाई वो आदमी को पकड़ो जो आदमी जिसने कराया कांड, खास खिलाड़ी। कौन है खास खिलाड़ी, आपको कैसे पता कोई और है उसमें? नहीं तो जो हमारे छोड़ा हूँ जब जेल पे मिलने जा वे बता रहा है, पांच आदमी है कोलारी का आनंद, ये दो तो पक्का पे है नी, और बाद कोलारी का दो कोरकू का दो छोरा उन्होंने। अच्छा, कोलारी में एसपी के पास आया तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं कि बे आदमी को पकड़ो, भले हमारा बच्चा को भले 4 साल और सजा करवा दो चल जाएगा, लेकिन पहले उनको पकड़ो जो आदमी ने वो करे, उनको पकड़ो, बस यही मांग और कुछ नहीं है। सर मृतक के और आरोपी के परिजन आए थे आज आपसे मिलने, इस मामले में क्या जांच की गई? प्रकरण में जो अभी तक मौजूदा साक्ष्य रहे हैं, प्रकरण में जो भी उसमें घटना से रिलेटेड चीज़ें आई हैं उसके आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी जेल में है और मृतक के परिजनों द्वारा बार बार शिकायती आवेदन पत्र दिए गए हैं, उनके संबंध में भी जांच चल रही है। इस दौरान घटनास्थल और पुनः सारी चीज़ों की जाँच की गई है, जो उनके द्वारा आवेदन पत्र में आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनके संबंध में जाँच जारी है। है कि तीनों और अन्य आरोपी हैं अभी तक जो उन्होंने उसमें आवेदन में दिया है उसके संबंध में घटना स्थल पर जाकर बाकी जगह पर जांच की गई है और उस संबंध में हम आवेदन में अभी जांच कर रहे हैं, जो उसमें साक्ष्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।